देखिए, कमर में दर्द हो किसी के, तो सबसे पहले एक चौड़ा टेप लीजिए, और चौड़ा टेप लेकर के 1 इंच चौड़ा होता है, और ऐसे इसको तोड़ लिया। तोड़ करके इस पर 5-6 दाने ऐसे मटर रखी हुई है, ये मटर के ऐसे क्रम से लगाते हैं ऐसे। अब ये मैंने 5-6 दाने मटर के, जो सफ़ेद मटर होती है गोल गोल वाली, उसको लेना है, और उस मटर के ऐसे 5-6 दाने लेकर के चौड़ी टेप पर लगा करके, ये जो हिस्सा है ना, ये यहाँ पर 2 उंगलियों के बीच, ये यहाँ खाली जगह है, ऐसे इस पर लेकर के इस टेप को ऐसे लगा देते हैं। ऐसे चिपका दिया मैंने, ठीक है। अब इसको थोड़ी थोड़ी देर पर, या ऐसे कोई और भी दबा दे, और अपने हाथ से भी हमारी आसानी से दब जाता है। देखो ऐसे ऐसे जैसे कुछ कर रहे हैं, अपने दबा लिया, फिर याद आ गया तब दबा लिया, थोड़ी थोड़ी देर पर ऐसे ही सेम इस हाथ पर भी लगाएंगे। इस हाथ पर भी दोनों को लगा दीजिए, इस पर भी 5-6 दाने उसी तरह से लेकर के, और फटाफट फटाफट लगा देते हैं। ये मैंने दाने रख दिए हैं, और ऐसे ही इस पर भी सेम उसी तरह से लगा देंगे ऐसे। यहाँ पर ये खाली खाली जगह है वहाँ पर। अब इसको ऐसे चिपका दिया और अच्छे से दबा दिया। अपना कोई काम धंधा करते रहो, और बीच बीच में इसको ऐसे दबा भी लिया, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। अब ये जो बीच मध्यमा अनामिका, मध्यमा ये है, अनामिका यानी रिंग फिंगर, रिंग फिंगर के ये ऊपर के 3 जोड़, पहला जोड़, दूसरा जोड़ और तीसरा जोड़, इन दोनों पर मेथी के दाने लेकर के, और ये 1/2 इंच का छोटा टेप है ये, इसको लेकर के जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताई देता हूँ, ऐसे रख करके और इस पर ऐसे लगा दिया। जो ऐसे ऐसे ये पूरा पूरा गोल कर दिया तीनों जोड़ों पर, ऐसे तीनों जोड़ों पर ऐसे, ठीक है, आगे पीछे से पूरा एकदम भर दिया ये जोड़। ऐसे ही ये उंगली, और ऐसे ही सेम ये उंगली। अब मैंने इस पर भी ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे ही, यानी दोनों दोनों उंगलियों पर, दोनों हाथ की दोनों उंगलियों पर ऐसे लगाना है। अब क्या करना है, एक काम और करना है इसमें, ये तीनों हो गए। अब ये तर्जनी उंगली जो इंडेक्स फिंगर है, इसके ऊपर के ऊपर का जोड़, बीच का जोड़ और नीचे का जोड़, चाहो तो तीनों में कर लो तो पूरे पैर का सर्कुलेशन हो जाएगा। ये ज़्यादा कमर में दर्द है, चाहो तो शॉर्ट करना चाहो तो केवल ऊपर और बीच के जोड़ पर, यानी यहाँ पर नंबर 5, 4, 5 और S1 तक होता है, तो यहाँ पर भी तीनों पर कर लो, जिससे कोई फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। ऐसे ही तीनों पर ये पट्टियाँ इस तरह से ऐसे लगा दी हैं, ऐसे ऐसे। ये मैंने एक ही चिप को खोल खोल के लगा दिया है, और ये पूरा ही पूरा करना है ऐसे, पूरा गोल ऐसे, खाली टेप नहीं लगाना है, मेथी लगा लगा के लगानी है। और इसको कोई दबाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये मेथी का प्रेशर होता है तो अपने यहाँ हो जाता है, और किसी भी तरह का दर्द हो शरीर में उसमें भी आराम मिलेगा। और मेथी स्केल से बना लें, साथ में जब दोनों पैरों में दर्द हो, सुन्नपन हो, कमर में दर्द हो, कमर में अकड़न हो, इनमें भी इतने इलाज से पूरा पूरा आराम मिलता है। बस इसको दबाने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसी को दबाने की ज़रूरत है, ठीक है। और उठने का, सीधे ना उठें और सीधे एकदम ना लेटें, करवट लेकर के ही उठें, और करवट लेकर के ही उठें, फिर कैसे भी हो जाए। कोई वजन ना उठाएं, झुक करके उठाएं तो पहले प्रिपेयर होकर के उठाएं कि मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और कमर दर्द में आराम मिल जाएगा। ज़्यादा दबने वाले गद्दे पर न सोएं, ठीक है, और झुकने वाली चारपाई पर, ढीली चारपाई पर न सोएं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं हो, जैसे 1 इंच का जो रुई का गद्दा होता है जिसमें नई रुई भरी गई हो, पुरानी रुई होती है तो बीच बीच में जगह जगह उसमें गांठें बन जाती हैं, उससे भी दर्द इस तरह के बढ़ जाते हैं। धन्यवाद। बंद करो, हमने क्या, अरे मैंने कहीं बंद करो।